लोकसभा चुनाव के इस दूसरे चरण में आज 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीट, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, तो मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए आज दूसरे फेज में मतदान हो रहा है। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तो आज दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से कुछ सीटें जो कि खासा चर्चा में है कुछ बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने की वजह से, तो आपको बताते हैं दूसरे फेज की ऐसी ही कुछ सीटें। सबसे पहले बात करें आउटर मणिपुर, तो यहां हिंसा को लेकर चर्चा में रहे मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट के लिए भी दूसरे चरण में आज वोटिंग हो रही है। इधर केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से लेफ्ट ने राहुल के सामने एनी राजा और बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। वहीं कोटा सीट की बात करें तो कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ पार्टी में आए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। इसके अलावा मेरठ से, उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से अरुण गोविल की उम्मीदवारी की वजह से ये सीट चर्चा में है। बीजेपी ने मेरठ से टीवी के राम अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया सीट बात करें बिहार की, तो यहां से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में है। पप्पू कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार उतार दिया। खजुराहो सीट से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव मैदान में है, लेकिन ये सीट इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज होने की वजह से चर्चा में रही है। इधर बेंगलुरु ग्रामीण की बात करें तो इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद सीएन मंजुनाथ की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के खिलाफ सीएन मंजुनाथ को टिकट दिया है। तो आपको बता दें टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में जहां 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, वहीं 7वां और अंतिम चरण 1 जून को जिसमें वोटिंग होगी, आज ये दूसरा चरण है और नतीजे लोकसभा चुनाव के 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। 18वें लोकसभा चुनाव में आज 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे फेज के मतदान के लिए 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 88 सीटों पर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सुरक्षा और अन्य इंतजाम भी चाक चौबंद है, जिसके लिए वोटिंग शुरू हुई है। कुल 16 करोड़ मतदाताओं के लिए 1,67,000 मतदान केंद्र बने हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग टाइम में थोड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने फैसला भीषण गर्मी को देखते हुए लिया है। बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम को 6 की बजाय शाम 7 बजे तक चलेगा, यानी 12 घंटे वोट डाले जा सकेंगे। तो भीषण गर्मी को देखते हुए ही वोटिंग का समय बिहार में 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें दूसरे चरण की ये कुछ हॉट सीटें हैं जिनकी वजह से खासा चर्चा में बनी हुई हैं ये सीटें, जिन पर दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। सबसे पहले केरल की वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी मैदान में हैं। इधर कोटा से ओम बिरला, मेरठ उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल, तिरुवनंतपुरम केरल से राजीव चंद्रशेखर हैं जो कि मैदान में हैं। तो इन सभी दिग्गजों की साख आज दांव पर है और उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा।